नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा रॉकेट्री मूवी ट्रेलर के बारे में। मुझे इस ट्रेलर के बारे में बात करने की इच्छा इसलिए हुई क्योंकि यार आज की जो जनरेशन है भारत में, जो इंस्टा के ऊपर रील्स बनाने में बिजी है, लिपसिंग करने में बिजी है, यूट्यूब पर प्रैंक वीडियो डालकर, फेक प्रैंक वीडियो डालकर उसमें लोगों को खुश करने में बिजी है, एटलीस्ट इन जैसे डम लोगों को भी पता चलेगा कि एक 1994 में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो मूवी आ रही है उसी के ऊपर आधारित है। ये जो मूवी है नंबी नारायण, जो हमारे जो देश के साइंटिस्ट हुआ करते थे इसरो के अंदर, वहां पर इनके ऊपर कैसे एक झूठा इल्जाम लगाकर इनको जेल में डाल दिया गया, जिससे हमारा देश 10 साल पीछे चला गया टेक्नोलॉजी के मामले में। नंबी नारायणन जी 1994 में क्रायोजेनिक इंजन पर काम कर रहे थे। ये एक तरीके से समझो जो लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं, जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेके जाते हैं, वो एक इंजन होता है, उसको क्रायोजेनिक इंजन है, उसके ऊपर वर्क कर रहे थे। लेकिन कुछ बाहरी ताकतों ने या फिर कहीं विदेशी ताकतों ने उनको ये मंजूर नहीं था कि इसरो आगे निकल जाए, इसलिए उन्होंने हमारे देश के जो टॉप साइंटिस्ट हैं इनके ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा दिया कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पाकिस्तान को बेच रहे हैं, जिसके चलते इनके ऊपर देशद्रोही का इल्जाम लगा। और मतलब एक तरीके से लोगों में इतना गुस्सा उमड़ा इनके प्रति, बहुत कुछ हुआ 1994 की बातें जब इनके ऊपर ये केस चला। अब आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने इनको, मतलब उस वक्त जो थे सीबीआई ने जांच की थी और कुछ भी नहीं मिला था, और सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इनको कंपनसेशन भी दिया 50 लाख रुपए का, भाई इनको कंपनसेशन दो क्योंकि इनकी छवि खराब कर दी गई है। जब सीबीआई की जांच हुई थी, जब ये केस हुआ था, जब सीबीआई की जांच हुई, जब ये इनके घर पे गए, तो इवन इनको इतना सिंपल, इतना साधारण सा घर दिखा, इन कुछ भी नहीं था वहां पर, पैसे तो दूर की बात है, बिल्कुल सिंपल से साधारण घर में रह रहे थे। और इसके बाद इनके ऊपर जो यातनाएं की गई हैं, इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, इतनी यातनाएं इनको दी गई थी। जरा सोच के देखो, ऐसा एक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन, जो भारत में 1999 में आ जाता, इनको जेल में भेजने के बाद जो इनकी छवि खराब हुई, जो ये काम कर रहे थे रूस के साथ काम कर रहे थे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हुआ, जिसके बाद क्या हुआ, ये जो इंजन था हमारे देश में जो 1999 में आ जाना चाहिए था वो 2014 में आया। तो सोच कर देखो हमारा देश टेक्नोलॉजी के मामले में कितना पीछे चला गया। बट कुछ जो लोग हैं या कुछ दो देश हैं वो इस देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, जिसके चलते ये सब चीजें हमारे देश को, ऐसी चीजों को देखना पड़ गया। नंबी नारायणन जी से जब इंटरव्यू हुआ तो वहां पे रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि जो CIA है, जो अमेरिका की एजेंसी है, उसका इसके पीछे, आपके जो केस के पीछे हाथ है। तो वहां पर जो इन्होंने ये जो बात बोली इनडायरेक्ट वे में, जब बहुत देखो इसके पीछे कोई सबूत नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे की जो कहानी है, एक्चुअल में क्या हुआ कि 1992-1993 जो ये दौर था, तब हमारे जो इसरो के अंदर जब ये नंबी नारायणन जी काम कर रहे थे टेक्नोलॉजी के, मतलब रॉकेट की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे, विकास इंजन इन्होंने दिया, तो वहां पर एक हमारी डील हुई रशिया के साथ। उस वक्त हम रशिया से क्रायोजेनिक इंजन परचेज कर रहे थे, नंबी नारायणन जी उसके अंदर शामिल थे, लेकिन उसी वक्त US भी हमें वो इंजन बेचना चाहता था, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी कीमतों पर, जिसपे चलते भारत ने उसको मना कर दिया और हमने रूस के साथ हाथ मिलाया। और उस वक्त के 1994 में जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जॉर्ज H.W. बुश, तब वहां के उस प्रेसिडेंट ने रूस को एक लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि आप ये डील कैंसिल कर दीजिए। बाकायदा ये चीज थी, उन्होंने लिखा लेटर में कि आप ये डील जो है वो भारत के साथ जो क्रायोजेनिक इंजन उनको दे रहे हैं ये कैंसिल कर दीजिए, आप उनको नहीं देंगे। और उस वक्त के जो रूस के जो प्रेसिडेंट थे वो इतने, कह सकते हो कि बोल्ड नहीं थे, इतने बहादुर कहने में मुझे लगता है कि नहीं थे वो इतने, कि उन्होंने अमेरिका के दबाव में आते डील कैंसिल कर दी। आज की डेट में जो अमेरिका जो प्रेसिडेंट है रूसिया के, व्लादिमीर पुतिन, अगर वो होते तो डेफिनेटली ये सब चीजें नहीं होती, लेकिन उन्होंने इतने कड़े डिसीजन नहीं लिए, हाथ पीछे खींच लिए। अब भारत भले ही वहां पर डील कैंसिल हुई हो, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी, उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि हम क्रायोजेनिक की टेक्नोलॉजी हमारे देश में लेके आते हैं। बट अब अमेरिका ने फिर से टांग अड़ाई यहाँ पर, उन्होंने एक कंट्रोवर्सी कर दी, एक ऐसा जाल फंसाया कि जिसके अंदर नंबी नारायणन जी को जेल हुई, जेल होने के कारण ये काम बंद हुआ और हमारा देश टेक्नोलॉजी के मामले में लगभग 10 साल पीछे चला गया। क्या बीतती है ऐसे इंसान पे जो सिर्फ और सिर्फ अपने देश को आगे बढ़ाना चाह रहा था, देश के लिए काम कर रहा था, और एक दिन आता है कि उसके दरवाजा खटखटाया जाता है और उसको कहा जाता है कि आप अरेस्ट किए जाते हैं, आप पे देशद्रोह का मामला लग रहा है।
तो उस इंसान पर क्या बीतेगी, जरा एक बार इसको फील कर कर देखो। इसरो के हर साइंटिस्ट के पास नासा में जाने के लिए ऑफर रहता है, वो जा सकते हैं, लेकिन वो अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं। इस देश के मान सम्मान उनके लिए बहुत बड़ा है, लेकिन बावजूद इसके उनको क्या मिलता है, ये सब चीजें उनकी उनकी छवि बर्बाद कर दी जाती है। आई होप सो जो ये मूवी आ रही है इसके अंदर बहुत सारी जो चीजें हमें नहीं पता है उन चीजों को बाहर निकाला जाएगा, और जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, जो इनके पीछे पर्दे का जो पीछे का सच है, वो आई होप सो वो चीजें भी इसमें सामने रखी जाएंगी, उम्मीद करता हूं। तो ये जब मूवी आएगी तब तो जब वह देखेंगे तब उसके वहां पर बात करेंगे। और अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा है तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो प्लीज कमेंट करना। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।